हेलो मेरे प्यारे फ्रेंड्स, आज मैं बनाने जा रही हूँ गेहूं के आटे का पुआ। ये खाने में बहुत ही हेल्दी होती है, स्वादिष्ट होती है, मैदा से ज़्यादा अच्छी होती है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इसमें हमने डाला है आधा कप बारीक सूजी और 2.5 कप आटा। सूजी मैंने डाला है इसमें कुरकुरापन रहने के लिए। और अब डालेंगे इसमें ड्राई फ्रूट्स। ड्राई फ्रूट्स में मैंने पिस्ता डाला है, आप कोई भी डाल सकते हैं। अब हम इसमें 1 कटोरी चीनी डालेंगे, उससे ज़्यादा बिल्कुल नहीं डालना है। और इसमें अब 2 चम्मच सौंफ डालेंगे और पानी जो है थोड़ा थोड़ा हिसाब से डालना है और इस तरह से चलाना है। और गुठलियाँ जो है पूरा अच्छे से, गुठलियाँ बिल्कुल ना रहे तब पुआ ज़्यादा अच्छी बनेगी। तो आप थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इससे जो है बैटर को तैयार करें। तो थोड़ा थोड़ा पानी डाल के बैटर को तैयार करें अच्छे से। तो बैटर जो है इस तरह का होना चाहिए, इस तरह से गिर रहा है तो समझ जाइए आपका बैटर तैयार है। अब हम इसे 20 मिनट के लिए ढक देंगे। तो 20 मिनट हमारी हो चुकी है और एक बार हम इसे फिर से मिक्स कर लेंगे अच्छे से। तो अब हमारी तेल भी गर्म हो चुकी है, तो हम इसमें हल्का सा डालेंगे आटा को। ये देखिए ऊपर आ रही है, यानी हमारी जो है वो तैयार हो चुकी है। तो हम इसी तरह बैटर को डाल देंगे। नीचे से पक चुकी है तो अब मैंने इसे पलट लेना है। तो ये देखिए फ्रेंड्स, हमारी गेहूं के आटे की पुआ कितनी अच्छी लग रही है। और हम इस तरह से जो है तेल निकाल लेंगे। ये देखिए कितनी अच्छी लग रही है पुआ हमारी, और तेल भी इसमें से निकल चुकी है। अगर आप नहीं अच्छे से दाबेंगे तो जो है ये तेल नहीं निकलेगी। तो इसी तरह से हम सभी पुआ को बना लेंगे। सर्दियों में गर्मा गर्म पुआ खाएं, बहुत ही अच्छी लगेगी आपको और मज़ा आएगा। क्योंकि गर्मियों के मौसम में तो ये सब अच्छा नहीं लगता है, तेल का आइटम ठंडी में ज़्यादा अच्छा लगता है। तो अब हमारी पुआ जो है वो तैयार हो चुकी है। तो हम इसे फिर निकाल लेंगे इसी प्रोसेस से। तेल नीचे जो है निकल रहा है, तो इसी तरह आप सारे पुआ से तेल निकाल लें, क्योंकि तेल सेहत के लिए ज़्यादा अच्छी नहीं होती है। तो देखिए हमारी पुआ कितनी अच्छी लग रही है। तो है ना फ्रेंड्स, लाजवाब रेसिपी। तो आप भी इसे जो है ट्राई करना, आपको बहुत ही स्वादिष्ट लगेगी। तो राधे राधे फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक सब्सक्राइब कमेंट शेयर करें। और आप भी मेरी रेसिपी को एक बार ज़रूर ट्राई करें, आपको बहुत ही पसंद आएगी। राधे राधे फ्रेंड्स।